वेलकम बैक ओल्ड बुल्ड। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन ओल्ड बुल्ड अकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूटेशंस, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड्स। देखेंगे इसमें कि हम किस प्रकार से म्यूटेशंस होता है और म्यूटेशन आखिर होता क्या है। इससे पहले आपने जेनेटिक कोड के अगर वीडियो नहीं देखी तो जेनेटिक कोड की वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको अंडरस्टूड हो पाएगी बढ़िया तरीके से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे म्यूटेशन आखिर है क्या। म्यूटेशन वर्ड आपने सुना है, इससे पहले पढ़ा होगा फिफ्थ चैप्टर में, जो कि आपका उसमें मेंडल जो है आपके जॉर्ज मेंडल, उन्होंने आपके म्यूटेशन के ऊपर भी कुछ बातें की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूटेशन। एक्चुअली म्यूटेशंस में आपके जो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, हो जाते हैं, सडनली चेंजेस होते हैं या बहुत टाइम बाद चेंजेस किसी की बॉडी में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी हुए तो कल किसी और की बॉडी में हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें डिफरेंट यह है, जैसे कि हम देखेंगे जो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से, इट रिजल्ट इन अल्टरेशंस इन डीएनए सीक्वेंस। क्या बोला? डीएनए सीक्वेंस में क्या करता है, ये कुछ अल्टरेशन हो जाता है एंड कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन इट्स ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है इसका? जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब ये हुआ कि जैसे ये क्या है, एक हमारा डीएनए है, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में टी और फिर आपका इसी प्रकार से कोडोन जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, कोडोन जुड़ते चले जाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि किसी कारण से क्या होता है, यहां पर जी की जगह सपोज ये ना होके कुछ और आ गया और उसके रिस्पेक्ट में यहां भी क्या बनेगा, कुछ और ही आ जाएगा जो इसके रिस्पेक्टिव में जुड़ता होगा। तो ये जो होता है उसके कारण से डीएनए के जो एक फॉर्म होता है उसमें चेंज हो जाता है और वो जो है कंप्लीटली, जब डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है तो वो आपको फिजिकली दिखता है, किसमें, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो अगर मैं सिकल सेल्स की बात करूं, आपने सिकल सेल्स के बारे में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं, सिकल सेल्स में क्या होता है, जो कोड होता है आपका CAG, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन को क्या करता है, कोड करता है एसिड को, और लेकिन उसके जगह पर क्या बनता है, जो चेंज हो जाता है, ये जो है इसको कोड करता है, लेकिन उसकी जगह बनता क्या है आपका वैलेनिन, वैलेनिन, वैलेनिन जो बनता है, तो उससे क्या होता है, उसमें सिकल सेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है जो आपके फिजिकली ऑर्गेनिज्म में शो होती है। एक एग्जांपल और है, आपने डॉली का नाम सुना होगा, डॉली एक भेड़ है, जो कि भेड़ों के जो मोस्टली पैर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के पैर होते हैं, लंबे लंबे। लेकिन डॉली एक ऐसी भेड़ थी जो कि जिसमें म्यूटेशंस के कारण छोटे छोटे पैर पाए गए सडनली, कैसे छोटे छोटे पैर पाए गए, तो ये कारण क्या था, म्यूटेशन का कारण था। क्या कारण था? म्यूटेशन का कारण था। तो अब यहां पर देखते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन, इन रिजल्ट इन अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप एंड इन इट्स ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, जीनोटाइप तो आपका जैसे डीएनए जो सीक्वेंस है उसके जो बेस पेयर है उसमें चेंज हो जाने के कारण से आपका वो चेंज हुआ, और उसके कारण से आपका फिनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म का है, बाहर की एक जो रूप है, बाहर का एक जो उसका आकार है, उसमें वो दिखते हैं चेंजेस, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन के कुछ फीचर्स जैसे कि इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये कैसे होते हैं, म्यूटेशन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, स्मॉल होता है और डायरेक्शन लेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ आपके दादा में फिर पापा में इस प्रकार से नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। सपोज आज ये आपके किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति में पाया गया तो हो सकता है उसके 7 पीढ़ियों बाद जाके ये म्यूटेशंस दिखे, ठीक है, ये म्यूटेशंस 7 पीढ़ियों बाद जाके दिखे। तो ये नहीं कि सडनली एकदम बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम बाद, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम
में होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं, और स्मॉल होता है, कैसा होता है, डायरेक्शन लेस होता है। वर्ड गिव बाय ह्यूगो डी वर्ड ऑनथेरा लेमार्किना, जो इवनिंग क्राइम रोज के नाम से एक कोई प्लांट है जिसपे इन्होंने क्या करा है, वर्ड्स इन्होंने दिया है, ठीक है, और ये इस पे इन्होंने रिसर्च किया है। दूसरी बात है डिवाइड्स प्रपोज म्यूटेशंस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इन्होंने म्यूटेशंस की थ्योरी भी, इवोल्यूशंस के क्या दिया है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज किया है। दूसरी बात, मोस्टली म्यूटेशन ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली हार्मफुल समटाइम लीथल, दैट मीन इज कि कभी कभी हार्मफुल तो होता ही है और ज्यादातर जानलेवा भी हो सकता है। म्यूटेशन क्या होता है, जानलेवा भी हो सकता है, कैन बी यूजफुल, और कभी कभी यूजफुल भी होता है, जैसे क्या है आपका म्यूटेशनल ब्रीडिंग करा के आप क्या करते हैं, अपने एनहांस कर सकते हैं प्रोडक्शन को, क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर की मैं अगर बात करूं। तो ये कुछ म्यूटेशंस के बारे में था। दूसरा इधर देखते हैं म्यूटेशंस म्यूटेजेंस, यानी कौन से सब्सटेंस है ऐसे जो कि म्यूटेशंस कॉज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके दो सब्सटेंस विच कॉज म्यूटेशंस, लाइक आपका फिजिकल म्यूटेशंस होता है, उसके बाद आता है केमिकल म्यूटेशंस होता है, और आपका बायोलॉजिकल म्यूटेशंस होता है। ओके, तो इन दिस म्यूटेशंस आपके थ्री टाइप में होते हैं, एक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटेशंस होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको म्यूटेशन समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।